हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीसी इन्फोटेक के ऊपर। तो ये भी जो है आपको एक पेनी स्टॉक है, तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जो हम लोग इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जो है, इससे पहले हम लोगों ने एनालिसिस किया था बीपीएल के ऊपर। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस नहीं देखा है तो आपको जो है मैं इन डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। और ये मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बात हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, जो अगर कभी भी आपको, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने कहीं पे भी आपको एक पोजीशन बनाया है और वहाँ पे अगर आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, सपोज आपने 1 रुपया का रिस्क लिया है और 2 रुपये आपको मिल रहा है, तो एटलीस्ट जो है अपना कुछ पोर्सन वहाँ पर 50% पोर्सन जो है ज़रूर वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए। और उसी के लिए ये एक एग्जांपल है बीपीएल का। बीपीएल का जो है आपको यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 45 रुपीज के आसपास हम लोगों ने इस स्टॉक को पकड़ा था, और वहाँ पे जो है उस टाइम में इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था हम लोगों को, जब ये यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया था इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे 75 रुपीज का टारगेट रखा था। लेकिन आप इस स्टॉक में एक चीज़ देखिए, उसके बाद आपको एक चीज़ पेनी स्टॉक का समझ में आएगा, जो आपको 45 रुपीज़ से कंटिन्यू इस स्टॉक में सर्किट लगा और ये जो है आपको ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ का हाई लगाया था, और उसके बाद आपको इस स्टॉक में कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा और अभी जो है फिर से आपको बैक टू प्राइस जो है आपको उसी रेंज में 67-68 के अराउंड जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो कभी भी अगर पेनी स्टॉक में आप लोग ट्रेड करते हैं या वहाँ पे आप लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो पेनी स्टॉक में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो जैसे ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है, सपोज आपने 100 क्वांटिटी लिया है और आपका जो है 1 रुपये पे आपने लिया है और आपको 200 मिल रहा है, तो आप पहले यहाँ से 100 रुपये निकाल लीजिए। रेस्ट 100 रुपये को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले 100 रुपये यहाँ से निकाल लीजिए। 50% क्वान्टिटी को जो है आप यहाँ पर ना जो है निकाल लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और रेस्ट 50% को आप जो है यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जो और ज़्यादा मिल जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कभी भी अगर 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपये के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा इस रूल को जो है फॉलो कीजिए, जो अगर आपको 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, अपना 50% या एटलीस्ट आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को आप जो है निकाल लीजिए, रेस्ट को आप वहां पे छोड़ कर सकते हैं। हो सकता है वो 2 रुपये का स्टॉक जो है आपको 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, 50 रुपये दे दे, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो है अपना 1:2 लेके एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लीजिए, रेस्ट जो है मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, जो आपको वो कितना दे सकता है। तो ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल था जो इस टारगेट से। अब जितने भी लोगों ने यहाँ से लिया, अगर उन्होंने बीच में कहीं पे भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट बुक कर लिया या कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, वो तो रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, जो बीच में इस लेवल पे जो लोग भी अभी फंसे होंगे, अगर जो लोग 40-45-50 के लेवल पे होंगे, तो वो लोग अभी भी प्रॉफिट में होंगे, तो वो लोग उतना वरीड नहीं होंगे। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे 100-120-150 के लेवल पे होंगे, वो लोग जरूर जो है आपको अब सोच रहे होंगे, जो एक बार अगर स्टॉक प्राइस मेरे जगह पे आ जाएगा तो मैं वहां से जो है निकलने के लिए देखूंगा। तो इसलिए ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, पेनी स्टॉक को कभी भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो एक जो है वहां पे सर्टेन लेवल पे ही पकड़ना ठीक रहता है। अगर ज्यादा ऊपर या नीचे निकल जाता है, तो फिर वहां पे जो है आपको उसमें ट्रेड करना सही नहीं रहता है। तो चलिए, इसी में जो है हम लोग एक और पेनी स्टॉक को आज देखने वाले हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है, आपको इस स्टॉक में जो है कंटिन्यू यहाँ पे गिरावट हो रहा था, कंटिन्यू यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रहा है, और उसके बाद जो है नीचे में आपको एक अच्छा यहाँ पे बेस बना है। और एक चीज यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे कंटिन्यू अपने हाई को ब्रेक कर रहा है और नीचे में लो को यहाँ पे आपको डिफेंड कर रहा है। तो एक जो है हायर लो का फॉर्मेशन आपको वीकली चार्ट में कंटिन्यू यहाँ पे बन रहा है, और स्टॉक जो है आपको रिसेंट में अभी यहाँ पे इस वीक में एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है अपने 52 वीक हाई के ऊपर जो है आपको ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में जो है हम लोग पोजिशन बना सकते हैं, बिल्कुल जो है आपको टेक्निकली पोजीशन बना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे जो है हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं 3.50 रुपीज के अराउंड। स्टॉप लॉस जो है हम लोगों का इस स्विंग के नीचे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी काफी टाइम सपोर्ट ले चुका है।
यहाँ पे जो है आपको 1 रुपीज 60 पैसे का जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस है। तो हम लोगों का जो है आपको स्टॉप लॉस कितने हो गया, हो गया 3 रुपीज 45 पैसे पे अभी ये करंट आपको चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, और 1 रुपीज 65 पैसे पे जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस है। तो 1 रुपीज 80 पैसे का जो है हम लोगों का यहाँ पे रिस्क है, और जो है टारगेट हम लोगों को यहाँ पे ऊपर की साइड अनलिमिटेड है, क्योंकि पेनी स्टॉक में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग टारगेट डिसाइड करके नहीं जाते हैं, जितना मार्केट दे दिया नहीं दिया तो फिर हम लोग वहाँ से एग्जिट करने के लिए देखते हैं। तो इस स्टॉक में जो लोग भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो है इस स्टॉक पे जरूर नजर बना के रख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक अच्छा मूवमेंट इस वीक कंटिन्यू हो रहा है लास्ट 4 to 5 वीक से, और जो है अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई के ऊपर 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। रिस्क ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 रुपीज 80 पैसे का रिस्क है, लेकिन टारगेट जो है हम लोगों को इजीली 6 to 10 रुपीज का मिल सकता है, और उसके आगे भी मिलेगा तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।